यहाँ पर खारवाल समाज के सभी समाज बंधु और अन्य भक्तगण और आपका स्वागत। खारवाल समाज साणो की युवा टीम ने आज साकंबरा माताजी के जन्मदिन को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में समाज बंधु व माताजी के भक्तों ने माताजी की महाआरती कर माताजी को भोग लगाया। खारवाल समाज के माताओं व बहनों व पुरुषों ने गांव में भव्य बड़बोरा निकालते हुए माताजी के साणोत्सव स्थित मंदिर में पहुंचकर माताजी के लिए बनाया हुआ 21 किलो मीठे मावे का भोग अर्पित कर माताजी का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर महाआरती में सैकड़ों युवा व माता बहनों ने भाग लिया। बड़ी तादाद में माता के भक्तों ने यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर माताजी से मंगल कामना की। यहां मेले के अवसर पर राजस्थान व भारत भर से समाज बंधु शिरकत करते हैं। साकंबरा माताजी को खारवाल समाज अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं। साणो स्थित सॉल्ट में माताजी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहां पर पुराने समय से नमक का उत्पादन बड़ी तादाद में किया जाता रहा है, जिसके निशान आज भी यहां मौजूद हैं। यहां माताजी, पैरूजी, मामाजी व अन्य मंदिर भी बने हुए हैं। पानी की उपयुक्त व्यवस्था है। मीठे पानी के लिए यहां पर होद और प्याऊ बनी हुई है। माताजी के मंदिर में स्थित भव्य तालाब और तालाब के बिल्कुल सूर्यमुखी मंदिर माताजी का शोभायमान है। यहाँ पर आज भी समाज के बंधुओं ने उपस्थित होकर माताजी के जन्मदिन को मनाते हुए यहाँ पर माताजी को भोग लगाया। आज दिनांक 17 जनवरी 2022 के दिन माँ साकंबरी के जन्मोत्सव श्री श्याम रासापुरा शक्तिपीठ साणोत्सव में मनाया गया। यहाँ पर खारवाल समाज के सभी समाज बंधु और अन्य भक्तगण और श्रद्धालु माँ के दरबार में उपस्थित हुए और इस भव्य और शुभ अवसर पर माँ के दरबार में दर्शन लाभ लेने हेतु सभी यहाँ पधारे। उन सभी का यहाँ की युवा टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर पधारे हुए यूट्यूब चैनल वाले, तुलसी टीवी वाले, उनका भी हमारे टीम की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और हम आग्रह करते हैं कि ऐसा टीम हमारे हमेशा के लिए आगे से आगे इनको बताते रहें। और इस को मंदिर जहाँ श्याम रासापुरा शक्तिपीठ साणोत्सव में आया हुआ है, भव्य मंदिर है, खारवाल समाज की भव्य कुलदेवी हैं। और इस मंदिर पर समाज के हजारों कोसों दूर से यहाँ पैदल संघ और पदयात्राएँ होती रहती हैं। और ये इस समाज की बहुत बड़ी देवी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। आज का प्रोग्राम जो है आपका, वो किस बारे में था? आज क्या था प्रोग्राम और क्या क्या इस प्रोग्राम में कार्यक्रम हुए? आज का प्रोग्राम
माँ शाकंभरी का जन्मोत्सव है और इसे शाकंभरी जयंती के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन माँ ने शाकंभरी देवी का जन्म हुआ था, जिसने अपने आज के बाद में जब पृथ्वी पे अकाल पड़ गया तो हजारों आंसुओं से अपने पानी बहाकर पूरी पृथ्वी को, पूरी सृष्टि को इसमें शिक्षित किया था और पुनः इस पृथ्वी को आगे बढ़ाया था, उजागर किया था और इस धन धान्य और हरी भरी इस धरती को बनाया था, इसलिए मनाया जाता है। माँ आसंभरा के नाम के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल जो है भक्तों को दे सकते हैं आप? माँ सांबरा और शाकंभरी एक ही नाम है और पहले इसको शाकंभरी कहते थे, लेकिन सांबर के कारण इस माँ का नाम सांबरा पड़ गया और इसमें माँ सांबरा खारवाल समाज जो नमक का उत्पादन करते हैं और नमक के जागीरदार भी कहलाते थे और उनके द्वारा इस समाज में पूरे पूरे इस माँ शाकंभरी का योगदान रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से यहाँ पे समाज का पूरा पूरा नमक पैदा होता था। जैसे कहावत भी है कि वर जान जाने वरदान दिया, सर जमी पर नमक उसी ने किया, कोई जान सके न महामाया, खारी की जागीर के कारण खारवाल कहलाया। माताजी के नाम के बारे में और भी कहा जाता है कि माताजी ने शाकाहारी भोजन ग्रहण करके तप किया था और 100 आंखों वाली माताजी भी कहा जाता है, और इन माताजी के नाम को उस बारे में ये भी कहा जाता है कि इसी वजह से माताजी को शाकंभरी माताजी कहा जाता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, शाकंभरी माता को 100 नेत्रों वाली माता भी कहते हैं, शतास्त्री भी कहते हैं इन्हें, क्योंकि इन्होंने जब अकाल पड़ गया था पृथ्वी पर तो उसके कारण उन्होंने अपने 100 नेत्रों से, अपने आंसुओं से आके पूरी धरती को पुनः हरी भरी किया था, इसी कारण से इसको 100 नेत्रों वाली देवी भी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना मैं समय दिया, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन प्रेस कर लीजिए, उसके पास में बेल आएगी, उस बेल को दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन चूज कर लीजिए।